देखिए, गंगाधर राव जी जो थे उनको एक राजपुरुष तो कहा जा सकता है, परंतु चूंकि वो युद्ध कला से ज़्यादा जो शौकीन थे, वो नाट्य में ज़्यादा शौकीन थे, उनको युद्ध क्षेत्र से कोई कभी मतलब नहीं रहा। मूल रूप से वो शासक तो थे, लेकिन एक सैनिक के रूप में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। क्योंकि अगर गंगाधर राव जिस तरह के जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अब से जुड़े हुए थे, उसके माध्यम से जो है ना उनका काफ़ी नाम है, और झांसी की रानी को मजबूरन इस क्षेत्र में उनको आना पड़ा। 1857 की महान क्रांति की महानायक महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन उनके पति गंगाधर राव के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो नाट्यशाला के शौकीन थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। झांसी से ETV के लिए रामनरेश यादव।